जय हिंद फ्रेंड्स, आपका ई एजुकेशन पत्रिका पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस पर्पज़ से, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार ने रेडमैन मेट की बहुत ही बड़ी वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो इस विज्ञप्ति के अंदर क्या क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ मोड क्या रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे से जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमैन मेट, इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। रिटर्न एग्ज़ाम फॉर ट्रेडमैन मेट विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर ये एग्ज़ाम होगा, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट karmic.andaman.gov.in/hqanc से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो अब देखते हैं कितनी वैकेंसी है टोटल, तो टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज दे रखी है वो 362, इसके अंदर टोटल वैकेंसी है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन क्या क्या है। एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का वो रिजर्वेशन रहेगा। एज के अंदर छूट है, कितने परसेंटेज इनकी वैकेंसी रहेगी ये है। और अब बात करते हैं इसकी जो एज लिमिट है उसकी, 18 से 25 ईयर के बीच में होना चाहिए और अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन दे रखा है। इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आईआईटी मतलब आईटीआई का। और इसकी जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है वो क्या क्या रहेगी, वर्किंग इन प्रोडक्शन, जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन या यूनिट, कैरिंग ऑफ फाइल्स, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग रिसीविंग मेल, फैक्स, ये रहेगा। और नॉन क्लरिकल काम रहेगा, डिलीवरी ऑफ डाक, डिलीवरी ऑफ अलग अलग फाइल्स, वॉच एंड वार्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज, क्लीन ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर, डस्टिंग ऑफ फर्निशिंग एक्सेट्रा, ये इनका काम रहेगा। अब जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके यूआर कैंडिडेट्स के 10 साल, और ओबीसी के लिए 13 साल होगा 10+3, और एससी एसटी के लिए 15 साल होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी अलग अलग रिजर्वेशन दे रखा है। और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो क्या होगा, स्क्रीनिंग की जाएगी पहले एप्लीकेशंस की, उनका रेशियो रखा जाएगा 1:25 के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब एक वैकेंसी के पीछे 25 जनों को बुलाया जाएगा। और इसकी रिक्वायरमेंट या पोस्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं इसके एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम का। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए अपीयर होना पड़ेगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, क्वालिफिकेशन के बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। और जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का वो 2 आवर का होगा। क्वेश्चन पेपर बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के अंदर होगा। जनरल इसका जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन मार्क हैं, मैक्सिमम मार्क हैं, वो क्या रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 मार्क का रहेगा, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज वगैरह है वो 25 नंबर के रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटी एबिलिटी के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 मार्क्स के रहेंगे। इसी प्रकार जो सिलेबस है इसकी बात अगर करें तो जनरल इंटेलिजेंसी का जो और रीजनिंग का सिलेबस है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, ओड, वन आउट, लॉजिकल वेन डायग्राम, एनालॉजी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, इन्फेरेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये रहेगी। जनरल इंग्लिश की जो है वो टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस टेस्ट विल बी एसेस वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंस एंड इट्स करेक्ट यूज एक्सेट्रा रहेगी। और जो अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चंस जो रहेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रहेंगे, टाइम एंड वर्क, मेजरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिकल चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री रहेगी। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर वगैरह में रहेंगे, हिस्ट्री करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज रहेगा, जिसका हम आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं चैनल पे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कल्चरल, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, इकोनॉमिक करंट इवेंट्स, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा के क्वेश्चन रहेंगे। अब डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो, एग्जैक्ट टाइम एंड डेट वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा। एडमिट कार्ड है जो आपके डाउनलोड होंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से karmic.andaman.gov.in/hqanc से। अब आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भेज दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे एंड अदर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, के बाद में ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके क्या क्या हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, विल बी कंडक्ट आपको बता दिया है। पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही एक जगह ही एग्जाम सेंटर होगा। इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट है, ओपनिंग डेट है वो 26 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से 25 सितंबर 2023 शाम को 5 बजे तक ओपनिंग रहेगा लिंक, उसके बाद में लिंक इनएक्टिव हो जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड ड्यूटी स्टेशन आपको पोर्ट ब्लेयर और अंडर यूनिट अंडर हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार के जो भी अंडर में रहेगा वहाँ पे आपका पोस्टिंग और ड्यूटी रहेगी। गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, इसके अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार पे जाके आप भर सकते हैं। और एडमिट कार्ड इज़ टू बी ब्रॉट टू द रिटर्न एग्जामिनेशन वेन्यू बाई ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। आपको एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाना है साथ में, नहीं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। इसी प्रकार आगे बात करें तो आपको जो भी फील्ड स्टार मार्क्स से है वो मैंडेटरी है, वो सारी भरनी है। ये आपको JPG फॉर्म के अंदर जो भी साइज वगैरह है वो दे रखा है, वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है ऑनलाइन वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं और नीचे अगर देखें तो, और ये वेबसाइट वगैरह ये दे रखी है, गाइडलाइंस दे रखी है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, मतलब कि किसी के जाल में ना फंसे, मोबाइल फ़ोन्स एंड एसेसरीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह एग्ज़ाम सेंटर पे यूज़ ना किए जाए, इसके बारे में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवा रखी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।